देखी ना भगवान ठाकुर, हे भगवान। ये सब बातें उसके रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो ना ही व्रत करती, वो ना ही किसी को भी एक भी पैसा दान में देती। वो राजा से भी ऐसा करने को मना क्या करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव भी बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाता था, मैं आराम से रह सकूँ। साधु रूप में पति देव ने कहा, हे देवी, तो उसे दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनु जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बैठा इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दास भोग लगाओ, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा, ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता, ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े।
पड़े प्रभु प्रकट तब हो कर प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयानिधि भक्त नहितकारी स्वामी भक्त नहितकारी पाप दोष सब हरता पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब संयय हारी स्वामी सब संयय हारी विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे ज्येष्ठानंद आनंद कर ज्येष्ठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे ओम जय बृहस्पति देवा।